हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद रेनू। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो आइसक्रीम। मैंगो आइसक्रीम मैं बहुत ही सिंपल इजी तरीके से बनाना बताऊंगी, तो आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, साथ में सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन। मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ एक कटोरी ली है, इसमें 2 टेबल स्पून हमको कॉर्नफ्लावर डालना है। तो यहाँ मैंने देखिए 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डाला है। साथ में डालेंगे यहाँ पे थोड़ी सी दूध, इसकी जगह आप पानी भी ऐड कर सकते हैं। इसमें डाल के हमको इसका पेस्ट तैयार करना है, तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं। देखिए मिक्स हो गया है, तो अब अगले प्रोसेस की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ गरम कर, देखिए मैंने यहाँ पे 1/2 केजी दूध को गरम होने के लिए रख दिया है। इसको हम उबलने देंगे, तो इसको मैंने गैस पे 1/2 केजी दूध उबलने के लिए रख दिया है। देखिए हमारा दूध उबल चुका है, तो यहाँ पे हम मैंने 2 टेबल स्पून चीनी ऐड किया। आप अपने स्वाद के अनुसार से चीनी ऐड कर सकते हैं, वैसे ही मैंगो बहुत मीठी होती है, तो इसमें हम चीनी डालेंगे। तो देखिए मैंने चीनी डाल दिया। यहाँ पे मैंने दूध में कस्टर्ड पाउडर या फिर आप अरारोट घोल सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लावर घोल लिया है। देखिए कॉर्नफ्लावर को अरारोट भी बोलते हैं, तो आप कस्टर्ड पाउडर भी ले सकते हैं। मैंने दूध में 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर घोल लिया है, और इसको डाल के हमको एक थिक बैटर तैयार करना है अच्छे से। इसकी क्वांटिटी हमको आधी करनी है, तो इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है हमको, और फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। तो हमको इसको मिक्स करना है, इसको हमको लगातार चलाते रहना है, नहीं तो ये तली पे बैठ जाएगी। तो इसको हमको लगातार दूध को चलाते रहना है। देखिए हमारी दूध थोड़ी गाढ़ी हो गई है, तो इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो मैं यहाँ गैस बंद कर देती हूँ और इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। तो ये देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है। यहाँ पे मैंने 2 जार लिया है। यहाँ पे मैं 2 मैंगो को काट के स्लाइस में रखे हुए हैं, तो इसको इसमें डाल देंगे देखिए। और ये दूध को डाल के हमको इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। तो यहाँ मैंने डाल लिया है, इसका हमें एक पेस्ट तैयार कर लेना है, ग्राइंड कर लेना है। तो चलिए इसको ग्राइंड करते हैं। तो देखिए ये तैयार हो चुका है, तो इसे हमको बर्तन में रख के लंच बॉक्स में रख के इसको फ्रिज में रख देंगे। तो फ्रीजर में रख देंगे, तो यहाँ मैंने लिया है प्लास्टिक का, और इसको डाल के हमको फ्रीजर में रख। देखिए 2 घंटे हो गए हैं, तो इसको निकाल के हम देखते हैं, देखिए कितना बढ़िया हुआ है। तो इसको हमको जार में एक बार फिर से ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ मैंने जार ली है और इसको हमको इसमें डाल देना है, तो इसको हमको डाल के ग्राइंड कर लेना है। तो देखिए मैंने जार में डाल लिया, इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो देखिए मैंने इसको स्मूथ पेस्ट तैयार कर लिया है। इसको फिर हमको इसी प्लास्टिक के बॉक्स में रखना है, तो इसको हमको इसमें सारे डाल देने हैं। तो देखिए मैंने डाल दिए हैं, इसको अच्छे से फैला देते हैं ताकि हमारी आइसक्रीम बहुत ही अच्छी बने। तो देखिए मैंने डाल दिए हैं, इसको अब कवर करके हमको फिर से 8 घंटे के लिए फ्रीजर में, या अपने फ्रिज के हिसाब से रख सकते हैं। तो मैंने इसका कवर लगा दिया और इसको 8 घंटे के लिए हमको रख देना है। तो मैंने कवर कर दिया, इसे रख देते हैं फ्रीजर में। देखिए हमारा मैंगो आइसक्रीम हो गया है, देख सकते हैं कितना मस्त हुआ है। तो इसको हम प्लेट में डाल देते हैं। तो यहाँ मैंने एक प्लेट ली हुई है, इसमें इसको डाल देंगे। देखिए हमारी आइसक्रीम हो गई है, तो इसमें मैंने थोड़े से बादाम लिए हैं, इसको डाल देते हैं, क्योंकि अभी गर्मी का दिन है तो हमारी आइसक्रीम जल्दी ही पिघल जाएगी। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, बादाम लिए हैं, इसको थोड़ा डाल देने से बहुत ही अच्छी लगेगी और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगेगा। तो देख सकते हैं हमारी मैंगो आइसक्रीम बन के तैयार हो गई है।